एशिया महादेश में अवस्थित एक सुंदर व मनोरम देश है नेपाल। विभिन्न देवी देवताओं का यह उत्पत्ति स्थल भी है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्थल है मनकामना देवी। गंडकी अंचल के गोरखा जिले में अवस्थित मनकामना भगवती का मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख आस्था केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का जनविश्वास है। पूरे नेपाल में प्रसिद्ध मनकामना भगवती का दर्शन करने के लिए हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। मनोकांक्षा पूरी होने का विश्वास लेकर ही नेपाल और भारत सहित विश्व भर के हिंदू धर्मावलंबी इस मंदिर में आया करते हैं। मनकामना जाने के क्रम में काठमांडू में रहे रेडिशन होटल से कालीमाटी, थानकोट, नौबिसे, गजूरी होते हुए जब हम कुरिनटार पहुंचे तो बारिश होने लगी। ऐसे में जब हमने मनकामना जाने वाले द्वार की ओर देखा तो यह दृश्य हमें और मनोरम व रोमांचक लगा। हमारे अतिथि गाड़ी से उतरने के बाद फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने में मशगूल देखे जा रहे हैं। ये हैं टीम के स्वामी गुरुदेव विष्णु भत्ल सूर्य नारायण। यह कुरिनटार का वह जगह है जहां से केबुल कार में चढ़ा जाता है। हमारे अतिथि केबुल कार पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं। और पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। केबुल कार के भीतर से देखने पर बारिश में भीगती त्रिशूली नदी काफी रमणीय दिख रही थी। केबुल कार के अंदर बैठने के 10 मिनट के बाद मनकामना बाजार पहुंचा जा सकता है। यहां नित्य दिन भारी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी दर्शन के लिए आते हैं। हमारे अतिथि मनकामना में केबुल कार से उतरने के बाद फोटो लेने में जुट गए हैं। केबुल कार से उतरने के बाद 5-10 मिनट की पैदल यात्रा में मनकामना मंदिर पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर के भीतर फूल माला चढ़ाकर तथा बाहर धूप अगरबत्ती जलाकर भगवती से अपनी इच्छा पूर्ण करने की कामना की जाती है। हमारे अतिथि दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ते हुए फोटो लेने का कार्य भी कर रहे हैं। दर्शन कर लेने के बाद अतिथियों ने नाश्ता व दोपहर का भोजन किया। कुछ देर विश्राम के बाद हम काठमांडू लौटने के लिए केबुल कार पर चढ़ने लगे। केबुल कार से लौटते हुए देखा गया यह मनोरम दृश्य। कुरिन घाट से करीब 4-5 घंटे की बस यात्रा के बाद हम काठमांडू आ पहुंचे। हम हिंदू धर्मावलंबियों के इस समूह को लेकर बूढ़ा नीलकंठ की ओर बढ़ रहे हैं। होटल से आधे घंटे की यात्रा के बाद ही बूढ़ा नीलकंठ पहुंचा जा सकता है। यहां भगवान विष्णु की मूर्ति झील के पानी में शयन मुद्रा में देखी जा सकती है। कहा जाता है कि युगों पहले इस जगह पर जब यहाँ के किसान फसल बोने के लिए कुदाल से जमीन तैयार कर रहे थे तो भगवान विष्णु की यह मूर्ति प्रकट हुई थी। मूर्ति के पांव में कुदाल लगने से पैर की उंगली के कट जाने की बात भी कही जाती है। जानकारों का कहना है कि जहाँ भगवान की मूर्ति मिली थी वहीं जलाशय बनाकर शेष शैया पर मूर्ति को लिटा दिया गया और भक्तजन विष्णु के उसी रूप की पूजा करने लगे। आज सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, इसलिए सभी को फूल माला पहनाकर हमने काठमांडू के एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। भविष्य में फिर मिलने का वादा करते हुए हम विदा हुए। इस यात्रा का व्यवस्थापन काठमांडू में रहे मोंतेरोसा ट्रैक्स एंड एक्सपेडिशन प्राली ने किया था। ऐसी धार्मिक तथा पर्यटकीय यात्रा के साथ ही पर्वतारोहण पदयात्रा का व्यवस्थापन करता आया यह मोंतेरोसा ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन आगामी दिनों में भी ऐसी ही अविस्मरणीय यात्रा के लिए आपकी प्रतीक्षा में है।